हेलो फ्रेंड्स, मैं दर्शी बावसार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, बारिश की सीज़न में पुट्ठा खाने का एक अलग ही मज़ा होता है। आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक रोस्टेड पुट्ठा पड़ा है। आपको लग रहा होगा कि आज ये रोस्टेड पुट्ठा की रेसिपी लेके आई है, मगर नहीं, ये कोई नॉर्मल रोस्टेड पुट्ठा नहीं है। ये है तंदूरी मसाला रोस्टेड पुट्ठा। एकदम मज़ेदार लगता है ये पुट्ठा और बहुत ही टेस्टी होता है, एकदम यम्मी होता है। इसकी रेसिपी एकदम सिंपल है, तो शुरू करते हैं रोस्टेड तंदूरी पुट्ठा की रेसिपी। फ्रेंड्स, एंड तक मेरी रेसिपी को अवश्य देखिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। तंदूरी मसाला कॉर्न के लिए यहाँ पर मैंने एक अमेरिकन मकाई ली है, एकदम फ्रेश वाली। इसको हम छील लेंगे। अब एक बड़ा सा बर्तन लेके उसमें कॉर्न रख के, कॉर्न पूरा कवर हो जाए उतना पानी ले लेंगे। अब इसमें हम सॉल्ट डालेंगे और इसे हम ढककर 10 से 15 मिनट के लिए गैस पर बॉईल कर लेंगे। जब तक हमारा कॉर्न बॉईल होकर ठंडा हो रहा है, तब तक हम हमारा दही तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 स्पून भर के दही ले लिया है। इसका पानी हमें नहीं जाने देना है। साथ में हम डालेंगे उसमें 1 स्पून लहसुन की चटनी। इसमें सिर्फ लहसुन और रेड मिर्ची है, जिसको मैंने क्रश कर लिया है। थोड़ा सा सॉल्ट, मेरी लहसुन की चटनी में सॉल्ट है, तो हम सॉल्ट उस हिसाब से डालेंगे। 1 स्पून जितना गरम मसाला पाउडर, अगर आप चाहो तो तंदूरी मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं। 1/2 स्पून जितना रोस्टेड जीरा का पाउडर एंड 1/2 स्पून जितना लेमन जूस। साथ में हम डालेंगे 1/2 स्पून जितना मस्टर्ड ऑयल। अगर आपके पास मस्टर्ड ऑयल नहीं है, तो आप जो ऑयल घर में कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, वो भी डाल सकते हैं। सबको अच्छे से विस्क कर लेंगे। आप चाहो तो इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं। मेरे पास ये लहसुन की चटनी हमेशा घर में रहती है, तो मैंने इसमें लहसुन की चटनी डाल दी है। मैरिनेशन के लिए हमारा दही रेडी है। अब जो हमने कॉर्न तैयार किया है बॉईल करके, वो ले लेंगे। ये थोड़ा रूम टेम्परेचर पर आ गया है। अब ये जो दही हमने तैयार किया है, वो पूरा हम हमारे कॉर्न पे अप्लाई कर लेंगे। ऐसे सिलिकॉन ब्रश से अच्छे से इस पर अप्लाई हो जाएगा। अगर आपके पास ऐसा ब्रश नहीं है, तो आप हाथों से भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छे से अप्लाई करना है हमें। आपको अगर कलर वाला चाहिए, तो आप उसमें रेड फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं कर्ड में, मगर ऐसा ऑर्गेनिक कलर है तो ही यूज़ करें। या फिर आप कर्ड में कश्मीरी रेड मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से कवर करना है, पूरा कोट कर लेना है। यह हमने अच्छे से कोट कर लिया है। अब हम इसे 5 मिनट तक रेस्ट देंगे। अब गैस ऑन करके
सिमेस गैस पर रखकर उस पे हम जो हमारा भुट्टा है वो रोस्ट कर लेंगे। ध्यान रखना है हमें कि जो हमारा गैस का बर्नर है वो छोटा वाला बर्नर हम यूज़ करेंगे, उसकी फुल फ्लेम पर हमें हमारा जो भुट्टा है वो चारों साइड से अच्छे से रोस्ट करना है। ये हमारा भुट्टा अच्छे से रोस्ट हो रहा है। आप चाहो तो इसे कोयले की सगड़ी में भी रोस्ट कर सकते हैं, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। मगर हमारे पास नहीं है तो हम इसे गैस पर भी रोस्ट कर सकते हैं ऐसी जाली रख के। आप चाहो तो इस पर बटर अप्लाई करते जाए और इसे रोस्ट करते जाए, तो जब बटर मेल्ट होगा तो थोड़ा स्मोकी फ्लेवर भी आएगा। हमारा जो कॉर्न है वो ऑलमोस्ट रोस्ट हो चुका है। अब जो ये कॉर्न है उसके ऊपर मैं गरम गरम कॉर्न पे ही चाट मसाला स्प्रिंकल कर लूँगी और उस पे लेमन जूस अप्लाई कर लेंगे थोड़ा थोड़ा। बहुत ही बढ़िया टेस्ट लगता है। आप बारिश की सीज़न में ऐसा तंदूरी मसाला कॉर्न बना के अवश्य खाइएगा। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये कमेंट्स में लिखना मत भूलिएगा। है ना एकदम इजी रेसिपी। तो इस बार बारिश की सीज़न में सिर्फ पुट्ठा रोस्ट करके मत खाइएगा, ऐसा तंदूरी पुट्ठा बना के खाइएगा। तो रेडी है हमारा तंदूरी मसाला भुट्टा।